हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रिकेट फिल्टर पर। आज मैं बात करूंगा 1998 में सचिन द्वारा खेले गए एक शानदार पारी के बारे में। भले ही सचिन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन आज भी उनकी कई पारियां दर्शकों के जहन में तरोताजा है। आज से करीब 21 साल पहले सचिन ने शारजा में ऐसा तूफान मचाया था कि ऑस्ट्रेलियन टीम तबाह हो गई, जबकि उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम की टूटी बोलती थी। उस वक्त सचिन ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलियन टीम को पानी पिला दिया था। हम बात कर रहे हैं 1998 में शारजा में हुए कोका कोला कप के बारे में, जिसमें सचिन ने लगातार 2 शतक जड़ा था। 1998 में शारजा में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कोका कोला कप खेला जा रहा था। इस टूर्नामेंट में हालत ऐसे बने कि भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी लीग मैच जीतना जरूरी था। 22 अप्रैल 1998 को खेले गए आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने माइकल वेबन के शतक के सहारे भारतीय टीम के सामने 285 रनों का चुनौती रखा, जबकि न्यूजीलैंड को रन रेट के आधार पर पीछे छोड़ते हुए फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को 46 ओवरों में 274 रन बनाने थे, जो कि एक वक्त नामुमकिन सा लग रहा था। इस मुश्किल चुनौती के सामने भारतीय पारी को सौरभ गांगुली और सचिन ने शुरू किया, लेकिन 39 के स्कोर पर यह जोड़ी टूट गई। फ्लेमिंग ने गांगुली को टॉम मूडी के हाथों कैच कराया, लेकिन मैच में सचिन का धमाल जारी रहा। इस दौरान उन्हें नयन मुंगिया और कप्तान अजरुद्दीन का भी सहयोग मिला, जबकि रेत के तूफान के कारण आधे घंटे तक मैच भी रुका रहा। इस करो या मरो वाले मैच में सचिन ने शतक जड़कर एक तूफान सा ला दिया था। हालांकि इस पारी के बावजूद भी भारतीय टीम मैच हार गया, लेकिन अच्छे रन रेट के दम पर फाइनल में पहुंच गई, और इस तूफानी पारी के कारण सचिन दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। इसके बाद 24 अप्रैल को खेला गया फाइनल, और फाइनल में भी सचिन का बल्ला खूब चला, और फाइनल में भी सचिन ने 131 गेंदों पर 134 रन बना डाले, और इसी वजह से भारतीय टीम ने 48 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया, और इन्हीं बैक टू बैक शतकों के कारण सचिन को टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। उस टूर्नामेंट में सचिन ने ऐसी पारी खेली कि लोग आज भी उस पारी को याद करते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट फिल्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।